सिकंदर राव पंत चौराहे के निकट फरुखाबाद डिपो वातानुकूलित बस ने एक रेडी को मारी टक्कर, जिससे उसके रेडी पर रखे खीरे बिखर गए और डकेल क्षतिग्रस्त हो गई। उसको चोट आई। उसके उपरांत बस के वहां से चले जाने की वजह से डकेल वालों ने ऑटो की सहायता से बस को सिकंदर राव मिश्री होटल के सामने पकड़ लिया, परंतु बस को चालक द्वारा न रोके जाने पर डकेल वाले ने हाथ में पत्थर लेकर अपनी जान की परवाह न करते हुए बस के आगे पत्थर लेकर खड़ा हो गया। फिर भी बस को न रोका तो डकेल वाले ने पत्थर को उसकी और फेंकने का जैसे प्रयास किया। चालक ने बस को रोक लिया और दोनों में विवाद शुरू हो गया। काफी देर मशक्कत के बाद, लोगों के समझाने के बाद बस परिचालक द्वारा डकेल वाले को पर्याप्त नुकसान का पैसा देकर उसे भेज दिया गया और बस दिल्ली के लिए रवाना हो गई। देखिए सिकंदर राव से मोहित कुमार की रिपोर्ट, SKH न्यूज़।